हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हजार्ड के बारे में। गाइस, आखिर ये हजार्ड क्या है, इसे किस तरह से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करके इस चीज़ को रिमूव किया जाता है, इस वीडियो के अंत होने तक आपको पूरी नॉलेज आपके पास होगी। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब बात करते हैं आखिर ये हजार्ड क्या है। तो गाइस, ये जो हजार्ड है ये बेसिकली एक पोटेंशियल है जिसके वजह से हार्म पहुंचती है, यानी कि क्षति पहुंचती है। और ये क्षति ह्यूमन पर्सन को हो सकता है, जिस इंडस्ट्रीज में आप जॉब कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के हो सकता है, जिस इक्विपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर हो सकता है, या फिर जिस इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी जो है ये हजार्ड का असर पहुंच सकता है। तो गाइस, ये हजार्ड जो है एक पोटेंशियल है जिसके वजह से हार्म पहुंचती है किसी भी एक पीपल को, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस पर, जिस इक्विपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और जिस इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये हजार्ड एक पीपल के ऊपर जिस तरह सा जो है अपना असर डालती है। तो गाइस, एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सपोज मान लीजिए कहीं पर एक हैंड लैम्प का कनेक्शन करवाया गया है और वो हैंड लैम्प का कनेक्शन हो चुका है और उसका केबल जो है फ्लोर पे पड़ा हुआ है, उसे साइड से एक बंदा आ रहा है और वो अनदेखा में क्या हुआ कि वो केबल उसके पैर में फंस जाता है, इसके वजह से वो पीपल नीचे गिरता है और उसके पैर में जो है चोट आती है। तो ये जो केबल है, ये केबल के वजह से वो पीपल गिरा है, जिसके वजह से ये केबल जो है उस पीपल के लिए एक हजार्ड है। जब भी इस तरह कोई सिचुएशन आए कि केबल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, सपोज वो हैंडलैम्प के लिए हो या फिर किसी भी कारण, तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है और केबल को ऐसे ले जाना है जैसे किसी भी पर्सन के लिए वो केबल जो है एक हजार्ड ना बन पाए। अब गाइस, बात करते हैं ये हजार्ड किस तरह से जिस ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं उस पे ये जो है अपना असर दिखलाती है। तो मान लीजिए गाइस, एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर को आप सेट किए हुए हैं और ZSS से जो है वो बीच में गैप रहता है करीब 10 से 15 mm की। गाइस, आपने क्या किया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर को तो टारगेट पे लगा दिया है, लेकिन आपका जो ZSS है उससे अगर वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर बार बार वो हिट करते जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा भी वो अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे टच कर रहा है, तो इसमें जो है हमारा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर यानी कि जो इक्विपमेंट है वो कहीं ना कहीं क्षति हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम जो है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमारा वर्क करना बंद कर देगा, जिसके वजह से हमें वो चेंज करना पड़ेगा। अब गाइस, कुछ ही दिनों में अगर आप इस तरह से अगर इक्विपमेंट को चेंज करते रहेंगे तो जिसके वजह से आप जिस ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमी के तरफ से जो है कहीं ना कहीं क्षति हो रहा है, यानी कि इकोनॉमी के तरफ से हार्म पहुंच रहा है। तो गाइस, इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि ये ZSS है, ये जो है एक हजार्ड है और वो हजार्ड के वजह से हमारा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो जो है क्षति हुआ है, और जिसके वजह से हम जिस ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं उसके इकोनॉमी में भी जो है थोड़ा सा डाउन देखने को मिलता है। अब गाइस, बात करते हैं किस तरह से इन्वायरमेंट भी जो है इससे डिस्टर्ब होता है। सपोज मान लीजिए कोई आप एक ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं जहाँ पर अगर थोड़ा सा भी केमिकल किसी भी वजह से अगर नेचर पे आती है तो नेचर जो है उससे डिस्टर्ब होता हो, तो गाइस उस टाइम भी आपको ध्यान देना है कि हम लोग जिस भी केमिकल के ऊपर काम कर रहे हैं वो जैसे एकदम सेफ्टी से रहे, अगर वो केमिकल कहीं से भी थोड़ा सा लीकेज होता है तो इसमें हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर भी जो है प्रभाव डालता है। तो गाइस, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए इंडस्ट्रीज़ में आपको जो है ग्रो करना है और आप इससे अपना ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। गाइस, मैंने अभी जो भी बातें बताया वो था हजार्ड से रिलेटेड, हजार्ड क्या है, किस तरह से इस हजार्ड को हम लोग जो है आइडेंटिफिकेशन करके इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियोस है वो उसकी अपडेट आपके तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।